दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले एक नए स्मार्टफोन के बारे में। टेक्नो की तरफ से टेक्नो स्पार्क 7 सीरीज का तीसरा स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 70 इंडिया में 11 तारीख को लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि कल लॉन्च होने वाला है। अमेजॉन के ऊपर इसका लैंडिंग पेज आ गया है और वहां से बहुत सारे स्पेसिफिकेशन इस फोन के कन्फर्म हो जाते हैं। प्राइस पॉइंट भी ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गया है एंड स्पेसिफिकेशन भी सारे अपने को पता पड़ गए हैं। कुछ अमेजॉन से पता पड़े हैं, कुछ लिस्टर से पता पड़े हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 70 से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है और कैसा रहने वाला ये स्मार्टफोन, सारी चीज डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को और सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। प्लास्टिक बिल्ड मिलेगा, प्लास्टिक का बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा। फ्रंट में यहाँ पर आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है और कौन से ग्लास के प्रोटेक्शन दिया गया है ये चीज अभी तक अपने को पता नहीं पड़ी है। तो बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको ठीक ठाक सी मिल जाती है। और डिजाइन की अगर बात करें, बैक पैनल की बात करें, तो एक टेक्सचर वाला फिनिश यहाँ पर आपको बैक पैनल में मिलता है। ग्रेडियंट फिनिश के साथ में कलर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड पैनल की बात करें तो टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पर दो कैमरास की हाउसिंग दिख रही है। क्वाड एलईडी फ्लैश दिया गया है, उसी के साथ में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। टेक्नो की ब्रांडिंग मिल जाती है। फ्रंट में अगर बात करें तो वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, पतले पतले से बेजल्स मिलते हैं, हल्के सी चेन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। एंड कलर्स की बात करें तो ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में और कॉपर कलर में, तीन अलग से कलर में, मतलब ब्लैक कलर तो कॉमन है लेकिन ग्रीन और जो कॉपर है वो अलग से ग्रेडियंट फिनिश पर आता है और फोन दिखने में काफी अच्छा लगता है। और बिल्ड क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, तो बिल्ड एंड डिजाइन से ज्यादा शिकायत यहाँ पर आपको नहीं आने वाली है। डिस्प्ले की अगर बात करें, 6.52 इंचेस का डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलने वाला है। वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलने वाला है। HD प्लस रिजोल्यूशन मिलेगा, IPS LCD पैनल दिया गया है। जी हाँ, 6.52 इंचेस का HD प्लस रिजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल यहाँ पर आपको मिलेगा, जहाँ पर 20:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा। 269 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। 90.3 के आसपास आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाएगा एंड 60Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलेगा। 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो प्राइस पॉइंट सुनने में आ रहा है उस हिसाब से तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको ठीक मिल जाती है, मतलब डिस्प्ले से भी ज्यादा शिकायत यहाँ पर आपको नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भाई परफॉर्मेंस को लेकर के चिपसेट का नाम एग्जैक्टली तो पता नहीं पड़ा है, लेकिन टेक्नो की तरफ से बताया गया है कि ऑक्टा कोर चिपसेट मिलने वाला है। एंड लीक्स ये बोल रहे हैं कि इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो G35 चिपसेट मिल सकता है। और G35 चिपसेट आपको पता है भाई, डे टू डे की परफॉर्मेंस ठीक ठाक आपको दे देता है, गेमिंग भी आपको ठीक ठाक करा देता है। 12 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है तो एनर्जी एफिशिएंसी का थोड़ा सा इशू रहता है, थोड़ा सा फोन गर्म भी होता है। 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, A53 वाले कोर्स मिलते हैं। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए IMG पावर VR GE8320 GPU मिलता है, जो कि आपको ठीक ठाक सी गेमिंग करा देता है। 680 MHz पर क्लॉक किया GPU मिलता है तो ठीक ठाक गेमिंग आप कर पाते हैं। LPDDR4X RAM मिलती है। eMMC 5.1 वाला स्टोरेज यहाँ पर आपको मिलता है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाएगी। कैमरास की अगर बात करें तो डुअल कैमरा सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलेगा, जहां पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है। जी हाँ, इस प्राइस पॉइंट पर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, उसी के साथ में 2 मेगापिक्सल का या VGA सेंसर यहां पर हो सकता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सेंसर रहेगा, काम कुछ नहीं आने वाला है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप पीछे की तरफ आपको मिलने वाला है। साथ ही में क्वाड LED फ्लैश मिलेगा एंड 1080 pixels में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहां पर दिया गया है। 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। एंड फ्रंट में यहां पर आपको डुअल LED फ्लैश देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा सेटअप अच्छा यहां पर आपको मिल जाता है, कैमरा सेटअप से आपको शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी नहीं भाई, बैटरा यहां पर आपको मिलता है। 6000 mAh का बैटरा यहां पर आपको मिलेगा, तो बैटरी का साइज काफी अच्छा दिया गया है। प्लस HD प्लस रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है तो बैटरी बैकअप आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। चार्ज करने के लिए 10 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, तो फास्ट चार्जिंग का एटलीस्ट सपोर्ट यहां पर अगर दे देते तो अच्छी बात रहती, लेकिन यहां पर 10 वॉट का सपोर्ट रहेगा, 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। चार्ज करने के लिए माइक्रो USB वाला पोर्ट यहां पर आपको मिलेगा। जी हां, इस चीज को इंप्रूव करने की जरूरत है।
माइक्रो यूएसबी पोर्ट अब खत्म होने वाला है भाई, टाइप सी पोर्ट दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको वही ओल्ड स्कूल माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है। हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm का खड्डा, 3.5 mm जैक दिया गया है, उसको गायब नहीं किया गया है, तो ये काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की अगर बात करें तो रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाएंगे, लेकिन जायरोस्कोप इस फोन के अंदर आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, जायरोस्कोप इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। उसी के अलावा अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 11 मिलेगा आपको आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में हाई ओएस 7.6 मिलने वाला है। हाई ओएस 7.6 जो है थोड़े से एड्स रहते हैं, थोड़े से ब्लोटवेयर्स रहते हैं, एक्सपीरियंस शायद आपका उतना बेहतर ना रहे, तो यहाँ पर भाई आपको सॉफ्टवेयर से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसी के अलावा अगर बात करें तो मोनो स्पीकर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, सिंगल लीनियर स्पीकर मिलेगा एंड डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट मिलेगा, मतलब दो सिम कार्ड आप लगा पाएंगे, उसी के साथ में मेमोरी कार्ड भी अपने फोन के अंदर घुसेड़ पाएंगे और अपने स्टडी मटेरियल को आप आराम से एंजॉय कर पाएंगे। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो ये वाला जो स्मार्टफोन है आई थिंक एक ही वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि रहेगा 4GB + 64GB। एंड प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो टेक्नो की तरफ से थोड़े दिन पहले एक पोल रखा गया था, जिसमें टेक्नो ने खुद अपनी जनता से पूछा था कि इस स्मार्टफोन को किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करना चाहिए। वहां पर ऑप्शन थे 8999, 9499, 9999 और एक 10,000 के ऊपर का प्राइस पॉइंट था। तो भाई 10,000 लायक तो है नहीं, 9,000 लायक भी नहीं है, ये वाला जो स्मार्टफोन है 8999 के लायक भी नहीं है मेरे हिसाब से। जी हाँ, ये वाला स्मार्टफोन मेरे हिसाब से 7,999 रुपए के प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है। अगर 8,999 के प्राइस पॉइंट पर भी लॉन्च होता है, जो कि टेक्नो ने सबसे लीस्ट ऑप्शन हमको दिया था, तो भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस फोन रहेगा, क्योंकि 7,999 के प्राइस पॉइंट पर ऑलमोस्ट इन्हीं स्पेसिफिकेशंस के साथ में आपको माइक्रो मैक्स इन वन भी मिल जाता है, जहां पर आपको G35 का चिपसेट मिलता है, 5000mAh की बैटरी मिलती है, सारी चीजें ऐसी मिलती है, केवल यहां पर आपको 48MP का कैमरा मिलता है, 6000mAh की बैटरी दी गई है। तो उसके लिए अगर 500 रुपए बढ़ाना चाहे टेक्नो तो बढ़ा सकता है, लेकिन अगर 1000 रुपए बढ़ाता है इन दो चीजों के लिए, जहां पर आपको केवल 48MP का कैमरा मिलता है एंड 1000mAh बैटरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिलती है, तो आई डोंट थिंक ये 1000 रुपए देने लायक रहेगा, क्योंकि ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर आपको हाई ओएस 7.6 मिलता है, जिसके अंदर आपको ब्लोटवेयर्स भी मिलेंगे, एड्स भी मिलेंगे, जबकि इन वन बी की अगर बात करें तो वहां पर आपको क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, जो कि काफी हैंडी रहता है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो स्मार्टफोन है एक डिसेंट स्मार्टफोन है, अगर आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा ओवरप्राइस लॉन्च होने वाला है, और लॉन्च किस प्राइस पॉइंट पर आता है उसके बाद में अपन टोटल वर्डिक्ट दे पाएंगे, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से एक बार देखने लायक फोन जरूर से है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं 8000 के आसपास का फोन, तो इस फोन की तरफ शायद अगर अच्छे प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है तो मेरे हिसाब से एक बार इस फोन की तरफ आप देख सकते हो। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि इन स्पेसिफिकेशंस के साथ में ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में क्या वैल्यू रखना चाहिए, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।